वेलकम। आज के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। स्पेशली ये चैप्टर एसएससी और रेलवे के सिलेबस से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या सर्ट्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, उनमें लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, इसको निकालना है। तो ये स्पेशली एसएससी और रेलवे के लिए, लेकिन बैंक में भी आता है। पर इसमें जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है उसके बिना तो कहीं भी नहीं चलने वाला। फ्रैक्शंस के लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट होने का पता जिन जिन तरीकों से वे से लगाया जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट के बिना तो डाटा इंटरप्रिटेशन संभव ही नहीं है। डीआई में डिस्कशन करते समय हम लोग बार बार बोलते थे कि किसी ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो अपने पिछले ईयर के प्रोडक्शन से कितना परसेंट ज्यादा है, हर कंपनी में सबसे ज्यादा बताइए। तो ये वही मामला था कि उस ईयर का प्रोडक्शन का उसके पिछले ईयर के प्रोडक्शन के साथ जो रेशियो है हर कंपनी का, विच वन इज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये वही क्वेश्चन था। इसलिए ये भले एसएससी रेलवे के लिए सीधा सीधा आने वाला सवाल हो, पर इसके बिना बैंक का एग्जाम आसानी से पास नहीं किया जा सकता। आइए फ्रैक्शंस को कैसे पता करें कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट। इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये बोलना कि ये तरीका बेस्ट है सही नहीं है, यह डाटा और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं। कभी कभी 4 या 5 फ्रैक्शंस में सिर्फ देख करके 1 या 2 को छांटा जा सकता है। और रूल ही लगाना है तो बचे हुए 2 में लगाते हैं ना, 2 को पकड़ लेते हैं जिनमें से कोई आंसर होना है, और तब तय करते हैं कि उसमें से कौन स्मॉलेस्ट है और कौन लार्जेस्ट है। ये बेस्ट वे है, चाहे किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जाए, कुछ को हमें छांट देना है। इसको बनाने का जो यूजुअल मेथड रहा है वो है 1 कि समों को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दें। हर बुक में आप ऐसे ही बनाते हुए देखते होंगे। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना समय नहीं है सबको डेसिमल में एक्सप्रेस करें, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दीजिए, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ थ्योरीज जिनको आप पहले समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। आइए, अगर 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 100 लिखा हो, 100 लिखा हो, ठीक है, और कोई 200 अर्न करता हो, कोई 400 अर्न करता हो, तो अपने अर्निंग आय के अनुपात में जो उसका एक्सपेंडिचर है किसका ज्यादा है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो जब देखिए, जब ये वैल्यू सेम होगा तो जिसका बेस जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। आप जानते ना ये 25% है, आप जानते ना 50% है, आप जानते ना कि 1/4 है, आप जानते ना कि हाफ है, आप जानते हैं ना। मैं बोलना क्या चाहता हूं, यदि वैल्यू सेम है तो बेस लार्जर होने से फ्रैक्शन का वैल्यू स्मॉलर होता है। जैसे 200 400 में 400 बड़ा है इसलिए ये वाला छोटा हुआ, इसीलिए ये छोटा हुआ। ये पहली बार समझ में आया। मान लीजिए 50, ये तो आसान था ना। मान लीजिए कहीं लिखा रहे 49 49, दोनों सेम है, और कहीं लिखा रहे 106 and 107। तो हम लोग देखेंगे कि ये कौन बड़ा है, ये वाला, इसलिए जब हम लोग फ्रैक्शन लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, यही बोलना चाहते हैं। जब न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का उल्टा नेचर होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, लार्जर हुआ, वो फ्रैक्शन स्मॉलर हुआ। ये समझ गए, ये समझ गए, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर अगर एक व्यक्ति 400 अर्न करता हो, दूसरा भी 400 अर्न करता हो, एक 153 रुपीज खर्च करे, 164 रुपीज खर्च करे, तो जब दोनों का अर्निंग सेम है तो जिसका वैल्यू बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा।
153 से लार्जर है, इसलिए 164/400 153/400 से भी लार्जर होगा। जो न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर लार्जर होने से फ्रैक्शन भी लार्जर होता है। लेकिन न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से, लार्जर होने से फ्रैक्शन स्मॉलर होता है। ये बात आप समझ गए? समझ गए? कहीं लिखा रहे इसी तरह से 169 और ये भी 169, तो कहीं 48 रहे और 48.5 रहे, तो ये निकालना कितना मुश्किल है, कौन बड़ा है? लेकिन ये रिलेशन क्या है, दोनों सेम है ना, तो ये इससे लार्जर है, इसलिए फ्रैक्शन भी लार्जर है। ये समझ गए? इसका इस्तेमाल हम लोग काफी करेंगे। उसके बाद परसेंटेज के रूप में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अगर ऐसा करना संभव हो। कहीं लिखा रहे 1/3, कहीं लिखा रहे 2/5 और कहीं लिखा रहे 1/6, और पूछे कि विच वन इज द स्मॉलर और द लार्जर और द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। हम लोग जानते हैं ये 69/2/3% होता है, हम लोग जानते हैं ये 40% होता है, हम लोग जानते हैं कि 33/1/3% होता है। जानते हैं तो ये ग्रेटेस्ट हुआ और जानते हैं तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। ये स्मॉलेस्ट हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ और ये ग्रेटेस्ट हुआ, लार्जेस्ट हुआ। जिनका हम जानते हैं उनमें हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें? हम लोग जानते हैं, देखिए 3/7 कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पर 11/21 लिखा हुआ है। आप जरा सोचिए 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, और इसको मान लीजिए, ठीक है, 11 लिखे थे, ओके, 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, उससे कम है, यानी कि 50% से ये लेस है, और 21 का हाफ क्या होता है, 10.5, उससे ये ज्यादा है, तो ये 50% से ज्यादा है, तो ये बड़ा है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का भी इस्तेमाल करेंगे जहां हम लोग आसानी से निकाल सकते होंगे परसेंटेज। नहीं समझे? 21 का हाफ क्या होता है, 10.5, यानी अगर यहां पर 10.5 होता, यहां 21 होता, तो ये हाफ होता कि नहीं, हाफ होता कि नहीं, और हाफ का मतलब लोग जानते हैं कि 50%, तो हाफ से ज्यादा है ना, तो 50% ज्यादा हुआ ना, इसका हाफ होता है 3.5, से कम है ना 3, तो 50% से कम है ना, इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एकदम सीधा सपाट रूल है, अगर कहीं दिया 3/7 और यहां कहीं 4/8 कुछ ऐसा दिया, तो आप समझ लीजिए कि अगर इक्वल लिखा रहता है तो आप क्या करते हैं। मान लीजिए इक्वल लिखा रहता है तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस करते हैं, या दिस इंटू दिस इक्वल दिस इंटू दिस, करना तो वही है, लेकिन एक सावधानी है कि न्यूमरेटर अपना साइड नहीं छोड़ेगा, वो अपने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे इधर उधर जा सकता है, उसके पास दूसरा आ जाए, यानी 3 यहीं रहेगा, 8 यहां आया ना, 4 यहीं रहेगा, तो 7 यहां आया ना। अब आप देखिए, दिस इज 28 और इधर देखिए 24, विच दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, सो दिस इज ग्रेटर। ये बहुत सुंदर तरीका है दो को कंपेयर करने का। इस तरीके का इस्तेमाल करके तो आप सारे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख करके। मान लीजिए हम लोग 2 को उठाए, लार्जेस्ट लेना है, इन दोनों को कंपैरिजन किया और बड़े वाले को ले लिया, फिर 3rd को लिया, उसको भी कंपैरिजन करके बड़े वाले को ले लिया, फिर 4th को लिया, बड़े वाले को ले लिया, आंसर अगर चाह रहे तो स्मॉलर है तो इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो लिया, फिर 3rd से किया जो स्मॉलर है वो लिया, फिर 4th से किया जो स्मॉलर है वो लिया। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा कि हम लोगों को जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए कौन सा मेथड बेस्ट है उसे भी चलेगा। एक ही क्वेश्चन में 2-3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, छांटने के लिए नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, या फिर वो होगा, ऐसा कुछ अगर साफ साफ कह रहा है तो। मैं एक और थ्योरम की बात करता हूं, बड़े काम का है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 7/11, ठीक है, 7/11, तो कंडीशन क्या है 7/11, हाँ, इसमें अगर हम कुछ ऐड करें, अगर दोनों यहां ए ऐड करें और
यहां बी ऐड करें, तो फर्स्ट केस कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर ऐसा है तो कहने का मतलब 7+1 तो ये 8 होगा। मान लीजिए यहां 2 ऐड करें, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1, तो 7+2 9 और 11+1 12, फिर 2 ऐड करें तो 11 और 1 ऐड करें तो 13, फिर 2 ऐड करें तो ये 13, तो ये 1 ऐड करें तो 14, मतलब समझ रहे हैं, ऊपर लार्जर नीचे स्मॉलर, फिर एक बार 2 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये भी 15। आप गौर कर रहे हैं, इसमें ऑब्वियस है कि ये सबसे बाद वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये ऑब्वियस है। थोड़ी देर के बाद वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस है बाकी सब 1 से कम, तो ये रिलेशनशिप होता है। ये समझ में आया ना? मान लीजिए यहां पर 2 यहां पर 1 ऐड करें, हर बार 2 1 2 1 2 1 2 1, तो हर बाद वाला पहले वाले से लार्जर होगा, लार्जर होगा, लार्जर होगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है। दूसरा है कि अगर दोनों जगह इक्वल ऐड करें, इक्वल +1+1 ऐसे, तो ये क्या हुआ 8/12, 9/13, 10/14, 11/15 ऐसे, तो ये ऑब्वियस है। तो ये रिलेशन का बड़ा महत्व है कि ये बड़ा होता है, वो तो बड़ा होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस रिलेशन, ये रिलेशन बड़ा काम का है। और अगर हम लोग ऊपर छोटा ऐड करें 1 और नीचे 2, देन कांट से नहीं कह सकते क्या होगा, समझ गए? तो मेन क्या है, ऊपर बड़ा ऐड करेंगे तब तो ऑब्वियस है कि बड़ा है, इक्वल ऐड करने से क्या होता है यही सबसे ज्यादा काम का है, और इसीलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका मायने क्या है जानते हैं, इसका अर्थ क्या है जानते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा रहे 4/7, 7/10, 13/16, तो आप क्या देख रहे हैं, 3 3 ऐड हो रहा है ना, 3 3 ऐड हो रहा, सेम ऐड हो रहा है ना, फिर देखिए यहां पर सेम ऐड हो रहा है ना, +6 +6, तो ये बड़ा है। 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये आप क्या देख रहे हैं, 1 1 ऐड हो रहा ना, 1 ऊपर भी नीचे भी, तो ये बड़ा होगा। ये समझ गए, ये बहुत काम की चीज है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर शर्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7/6, 7/9, 4/5 and 5/7, इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो देख के ही लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही छांट दिया। इन दोनों में देखिए, बोलिएगा ये तो 1 से लार्जर है, 1 से स्मॉलर है, तो ये होगा नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसलिए उसके होने का सवाल नहीं है। अभी जो हम लोग बात किए थे, दोनों 7 है तो इसमें जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, 6 से 9 लार्जर है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन स्मॉलर हो। अब क्या बचा, 2 बचा, देखिए 2 बचा, कौन सा, 7/9 और 5/7। बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, मैं एक तरीके से बता रहा हूं कि कब कहां क्या करना चाहिए। देखिए तो इसमें 2 ऐड किए ना, तो ये बड़ा हो गया, नहीं छोटा हो गया, अभी ना बात किए थे, दोनों में 2 2 ऐड हो रहा तो ये बड़ा हो गया ना, तो क्या हुआ, ये दोनों था नहीं, दोनों में कंपैरिजन किया, 5/7 इज द आंसर, पहले वाले का 5/7 इज द आंसर। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये रिलेशन आपके पास है। कैसे 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 पास है, तो देखिए 7 को यहीं रहने दीजिए, 5 को यहीं रहने दीजिए, इस 7 को यहां लाइए, इस 9 को यहां लाइए, देखिए क्या है 45 और ये क्या है 49, इसमें कौन है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, इसलिए स्मॉलर है। ये रूल तो हमेशा आपके पास है, जब भी कोई दिक्कत हो तो आप ये कर लें। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड नंबर, 9/13, 17/26, 28/29 and 33/52,
विच वन इज द स्मॉलेस्ट, तो ये तो बहुत बड़ा है, जानते हैं ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, आसपास है, वन का डिफरेंस है, ये तो होगा नहीं, तो इसमें क्यों कोई रूल लगा है, छोड़ दीजिए। आप जरा देखिए 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 13 का डबल 26 और 9 का डबल 18, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 18/26 और ये है 17/26, ये दोनों सेम है ना, तो जिसका वैल्यू छोटा वो स्मॉल, इसलिए इसका काम खत्म। और फिर देखिए इसको देखिए देखिए 26 का डबल 52 और 17 का डबल 34 और ये क्या है 33/52। देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ये स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा, दिस इज द आंसर 33/52 इज द आंसर 33/52। मैंने पहले ही कहा बहुत सारे तरीके हैं, किन्हीं से भी आप कर सकते हैं, मैं बेस्ट वे की बात कर रहा हूं जिनमें सारे तरीकों को लेकर के डाटा के मुताबिक क्या ऑपरेट करें, उनमें से कौन सा लगाएं। आप कुछ डिफरेंट भी लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं था, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने का मामला नहीं है, ये मामला नहीं है। जब मल्टीप्लाई करने का सवाल हो ना, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, अब इजी हो गया ना 34 और ये 33, तो थोड़ा कर भी सकते हैं, नहीं तो कौन मल्टीप्लाई करे 52 को 17 से, 26 को 33 से। इसलिए स्मॉलर नंबर हो ना, मल्टीप्लाई करना आसान जहां नजर आए उसी में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें न्यूमिनेटर अपनी जगह पर आता है और दूसरे का डिनोमिनेटर उसके पास आता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 8/15 14/33 7/13 11/13। देखिए इस नंबर को देखिए, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इसमें ढूंढना है, तो ये तो बहुत बड़ा है, बेकार है, इसमें क्यों क्यों इसमें दिमाग लगाइएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये तीन बचा, इसमें भी देखिए 7 का डबल 14 और 13 का डबल 26, ये दोनों सेम हो गया ना, सेम हो जाने पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो ये भी खत्म। अब क्या बचा, ये दोनों बचा, इन दोनों में आपको बताना है कि क्या है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई ना कीजिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो देख लीजिए कौन स्मॉलेस्ट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसका डबल होता है 16 और इसका डबल होता है 30, होता है ना। अब आप बताइए अगर दोनों को सेम मान लिया जाए तो जिसका वैल्यू बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, अगर दोनों को सेम मान लिया जाए, इसको भी 33 इसको भी 33 मान लीजिए, तो ये बड़ा है ना, तो फ्रैक्शन भी बड़ा हुआ, और ये सेम ना होकर के और छोटा है तो ये और बड़ा हो गया। अगर ये भी 33 होता तो बड़ा होता, और 33 से और कम है डिनोमिनेटर 30, तो ये और बड़ा हुआ, इसलिए एकदम क्लियर है 14/33 इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, आप कभी कभी परसेंटेज का भी इस्तेमाल करते हैं, 10% कितना होता है देखिए, आप इसको थोड़ा समझिए, 33 का हाफ कितना हुआ 16.5, तो हाफ से कम है ना, तो 50% से लेस, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है 50% से कम है, और इसका हाफ क्या होता है 15, या 15 का हाफ क्या होता है 7.5, ये तो 50% से ज्यादा है। अब आप बताइए ये 50% से ज्यादा है, ये 50% से कम है, तो ये छोटा हुआ कि नहीं, स्मॉलेस्ट हुआ कि नहीं, इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इच्छा हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर करने आपको आता हो, ये तरीका तो समझ गए, यदि मल्टीप्लाई करने आपको आता हो, तो आता हो का जहां तक सवाल है तो क्वेश्चन क्या है, यही तो इन दोनों में तय करना है कि क्या है, कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बोलिए, 8/33 नहीं भाई, 8/3 24 का मतलब दरअसल 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इसलिए इसका 11 निकाल के 8/3 24 कर दिया, 462 बेसिक कैलकुलेशन में देखिएगा, और ये 15 इंटू
14 ना ना पसंद नहीं है, 13 × 7 210। अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा इतने सारे तरीके जिनके बारे में मैंने चर्चा की आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ढूंढिए बेस्ट और फिर सेकंड टू बेस्ट, कम से कम 4-5 वे जो हैं उनमें से पहला या दूसरा, क्योंकि बेस्ट मेथड सही समय समय पर आपको स्ट्राइक कर ही जाए ये कोई जरूरी नहीं, सेकंड टू बेस्ट कीजिए, लेकिन उन दोनों में से कोई जरूर कीजिए। प्रैक्टिस आपका जितना ज्यादा होगा हमेशा बेस्ट मेथड का इस्तेमाल कर पाने में आप सक्षम होंगे। हाँ तो हमारा आंसर क्या आया, 14/33 आंसर 3। आइए फोर्थ नंबर को देखते हैं, 8/25, 7/23, 11/23 एंड 14/53। इसमें भी हमें सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। आप देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए एक तो आप परसेंटेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के ख्याल से उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा, रूल तो सही है लेकिन पसंद नहीं आ रहा। लेकिन ये दोनों 23 है ना, तो जिसका वैल्यू छोटा वो छोटा, ये खत्म, स्मॉलेस्ट लेना है तो ये खत्म। आप सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज बड़ा काम का चीज है। देखिए 10% कितना है, 2.3, तो ये 30% से ज्यादा होगा ना, 6.9 से। ये भी देखिए ये भी 30% से ज्यादा होगा ना, 7.5 से, लेकिन ये 30% से कम है आंसर। 10% कितना होता है, 5.3, 30% कितना हुआ, 15.9, ये तो 14 है आंसर। This is the best way for this question. रूल बहुत सारे होंगे, कौन मल्टीप्लाई करे भाई, कौन मल्टीप्लाई करे, ये नंबर मल्टीप्लाई करने लायक नहीं है, इसलिए विच वन इज द बेस्ट ये सवाल हमेशा रहेगा। डेसिमल में कौन इतना डिवाइड करे, परसेंटेज का सवाल इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं, चूंकि ये 30% से लेस था, सब ज्यादा था, आराम से लोग पकड़ पाए कि ये क्या है, समझ गए। करने के लिए तो डेसिमल में एक्सप्रेस कीजिए, दो को कंपेयर कीजिए, पर वो सब सुटेबल नहीं है। 14/53 इज द आंसर, 14/53 इज द आंसर। आगे फिर है स्मॉलेस्ट क्वेश्चन नंबर 5, 15/16, 19/20, 24/25 एंड 34/35। आप क्या देख रहे हैं, गैप वन का है ना, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा ना, देखिए देखिए देखिए, इससे 5, इससे भी 5, इससे 10, इससे भी 10, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। तुमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट वाना सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, अगर ग्रेटेस्ट बोला जाता तो 34/35 नहीं समझे, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 हमने बात किए थे ना, ये था ना रूल, अभी सेम इंक्रीज हो रहा, +4, +4 +5, +5 +10, +10, ऐसे में सबसे बड़ा वाला जो सबसे राइट मोस्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये क्लियर है, हमको इसमें स्मॉलेस्ट निकालना था, आंसर इज 15/16, आंसर इज 15/16। फिर निकालना है ग्रेटेस्ट, अगेन इसमें ग्रेटेस्ट 6 नंबर में देखिए, 6 में ग्रेटेस्ट 2/3, 5/6, 11/15 एंड 7/8। इसमें देख के लग रहा है ये तो कहीं नहीं होगा, ग्रेटेस्ट में इसका तो सवाल नहीं है, बहुत बड़ा गैप है 4 का, ये नहीं होगा, इसीलिए इसको नहीं लेंगे, और बाकी में 1-1 का गैप है, ये सबसे बड़ा है, इनमें से ये सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, 2/3। देखिए तो पहले ये तो क्लियर है, अच्छा लार्जेस्ट, सॉरी इसमें लार्जेस्ट निकालना है, 7/8 इज आंसर, इसको तो हम लोग पहले छाट चुके थे, ये स्मॉलेस्ट है ये होगा नहीं, लार्जेस्ट निकालना है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 7/8, तो 7/8 इज आंसर। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि गैप इज 1, 3 इंक्रीज किया, 3 इंक्रीज किया, यहां से 2 इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया, सेम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर इंक्रीज करता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन है, 7/8। इसके बाद
फिर सेवेंथ नंबर ग्रेटेस्ट, 6/7, 5/6, 7/8 एंड 4/5। अगेन देखिए ये 1-1 का गैप है, तो इसमें सबसे बड़ा निकाल लें, सबसे बड़ा 7/8। समझ में आ रहा है क्यों? 4/5 यहां हुआ, 5/6 यहां हुआ, 6/7 यहां हुआ, 7/8 हुआ, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है, 7/8 इज द आंसर। उसके बाद एट नंबर देखिए, 2/7, 1/3 ग्रेटेस्ट, 5/6 एंड 3/4 ग्रेटेस्ट। ये इतना बड़ा गैप होने का सवाल नहीं है, हालांकि नंबर का स्वरूप ऐसा है कि आप मल्टीप्लाई वाला तरीका भी यहां लागू कर सकते हैं, लेकिन क्या लागू करें? अरे कुछ कुछ छांट दीजिए ना, ग्रेटेस्ट लेना, इसके होने का तो सवाल नहीं। 5 का गैप है जी, 2 का गैप है, 1-1 का गैप है, इसके होने का सवाल नहीं है। और इनमें जो सबसे बड़ा वो बड़ा नहीं समझे, 3/4, 5/6 क्या हुआ, +2 जानते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो लार्जेस्ट कौन हुआ, 5/6, 5/6 इज द आंसर। समझ गए? हालांकि आप ऐसे कर सकते थे, देखिए मैं उस तरीके का भी इस्तेमाल करके दिखाता हूं, कर सकते थे, या आप तुलना कर लेते, यहां बोलते 6, 3 × 2 ये 6 और ये 7, तो बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसको इसको हमने छोड़ दिया, फिर ये लिया, ये क्या हुआ 6 और ये क्या हुआ 15, बड़ा कौन है ये, इसको भी छोड़ दिया, फिर देखिए 20 और ये क्या है 18, बड़ा कौन है ये, इसको भी छोड़ दिया, दिस इज आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये हमने बात किया फ्रैक्शंस के बारे में, सॉर्ट्स के बारे में। मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सॉर्ट्स में प्रॉब्लम होता है, और जिनको समझ में आ गया है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेरा क्लास हर स्टूडेंट के लिए है, मैं किसी को कमजोर नहीं मानता, कमजोर कोई होता भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तय कर लीजिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, इसी क्लास में 0 लेवल से शुरू होगा और तुरंत वहां होंगे जहां हमें पहुंचना है। शॉर्ट्स नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, अभी आ जाएगा 5 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन है इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? मैं पहले उनकी बात करता हूं जिनको शॉर्ट्स में कुछ नहीं आता, उनसे मैं कहता हूं सुनिए ना, ये जो 9 है ये 4 से बड़ा होता है कि नहीं? होता है ना, ये तो पता है, तो क्यों स्क्वायर कर देंगे तो क्या बड़ा नहीं होगा? बड़ा ही रहेगा, 81 और ये क्या हुआ 16, देखिए तो कौन बड़ा। क्यों स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2, क्या ये बड़ा नहीं रहेगा? समझ में आया? अगर कोई नंबर किसी से बड़ा है तो उसका कितना भी पावर करें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसी को बोलते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट। क्यों होता है 3? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और ये है, क्योंकि ये क्या चीज है, ये है। देखिए पावर किया ना हम लोग, इसको ऐसे समझिए, यानी 3 का पावर 1, छोड़िए, कर सकते हैं, ये समझ गए? कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सोचिए, 3 है, मान लीजिए यहां स्क्वायर रूट लिखा है, आप मुझे बताइए 1/2 है, क्या हम यहां भी 3 और यहां भी 3 नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए कि ये जो लिखते हैं ना कहीं पर हम लोग 5 का 2, इसका मतलब दरअसल ये होता है, ये लिखने का तरीका है, ये कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है, बस दोनों एक ही बात है, क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर रूट,
हाँ फोर्थ रूट फिफ्थ रूट लिखना होता है। तो आप जरा मुझे बताइए कि इसको हम लोग ये वाला थ्री यहां ला सकते हैं कि नहीं, और ये वन बाय थ्री इंटू टू हो सकता है कि नहीं? ये क्या चीज है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये दरअसल क्या हुआ, दरअसल यही था, हम लोग दोनों यहां भी वन है तो थ्री कर सकते हैं और टू है तो थ्री कर सकते हैं, यही हमने लिखा। समझ में आ गया? देखिए, यानी कहीं लिखा हुआ है फाइव, हाँ यहां पर कुछ नहीं है तो टू है, हम चाहे तो यहां पर फाइव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन है ना कुछ नहीं है तो सेम नंबर से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये हो जाए, हो गया। बस इतना ही जानना काफी था, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट ही चलेगा, सेम होना चाहिए। तो थ्री टू एंड सिक्स, इसका एलसीएम लीजिए, सिक्स एलसीएम हमने लिया सिक्स। अब मुझे बताइए कि यहां पर थ्री है, यहां पर वन बाय थ्री है, ये सिक्स कैसे होगा? ऐसा होगा ना, ये वाला देखिए, ये वन बाय टू है, ये सिक्स कैसे होगा? ऐसे होगा ना, और ये तो है ही, ये तो है ही। अब तो आपको समझ में आ गया, ये नाइन है वन बाय सिक्स, ये एट है वन बाय सिक्स, और ये सिक्स है वन बाय सिक्स, ये पावर सेम होना चाहिए। तो जो बेस है वो लार्जर, तो वो सर्ड भी लार्जर, अगर बेस स्मॉलर तो भी स्मॉलर। हमें क्या निकालना था? ग्रेटेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये, इसलिए ये आंसर, थ्री का पावर वन बाय थ्री, ये आंसर। समझ में आ गया? उसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये कुछ लिखने का ही नहीं, यहीं पर आप कर दे सकते हैं, करने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं सर, देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये थ्री फोर सिक्स, इसका एलसीएम क्या आया? ट्वेल्व, हम लोग ट्वेल्व बनाएंगे, तो ये तो टू है ना, पावर वन बाय टू है, तो इसको सिक्स से कर देते हैं ताकि ट्वेल्व हो जाए, ये कुछ नहीं है, वन बाय ट्वेल्व हुआ, ये फोर कर देते हैं, वन है लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थ्री से करना होगा ना, और इसको टू से करना होगा ना, फिनिश्ड। ये भी है वन बाय ट्वेल्व, ये कितना हुआ? एट का स्क्वायर 64, टू क्यूब का स्क्वायर बोलेंगे एट का स्क्वायर, नहीं समझे, दो का पावर छह है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, ये एट इंटू एट हुआ कि नहीं, 64 हुआ कि नहीं, ये 81 हुआ कि नहीं, ये सेम होना चाहिए, ये 125 हुआ कि नहीं, और ये 49 हुआ कि नहीं, तो आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? दिस, इसलिए हमारा आंसर हुआ दिस, 5 टू द पावर 1/4। आज के बाद एसएससी को ध्यान में रख करके भी एक एपिसोड निकला करेगा, हालांकि कोर्सेज समान है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, सारे ही एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले, एसएससी का प्रिपरेशन करने वाले भी बैंक का क्वेश्चन बनाइए, बैंक का करने वाले भी एसएससी का क्वेश्चन बनाइए, एक ही स्टूडेंट दोनों जगह बैठते हैं, और कंपटीशन भी एक तरह का होता है, कोर्स भी ऐसा है जो एक दूसरे को हेल्प करता है। ऑल द बेस्ट।